नरसिंह कृत्वा भ्रमद भुकुटी दष्ट करालवकत्रम नरसिंह कृत्वा भ्रमद्भुकुटी दष्ट कराव क भ्रुकुटी दष्ट कराल वक्रम दैत्यम इंद्रम आशुगराय अभिपत्तम आरत अरो निपत्य विददार नखे स्वरुन्तम अरुभयास नरसिंहरूपं कृत्वा भ्रमतभ्रुकुटीदष्टकराल वक्त्रं दैत्यम् इन्द्रम् आशुगदयाभिपत्तम् अरात् अरुनिपात्य विदधार्नखे स्वरुन्तम् शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो भी मैं स्टार्ट करूं ठीक अनुवाद शब्दार्थ इस प्रकार है। श्रेष्ठ देवता अरु भया महान भय को मिटाने वाले स उन्होंने श्री भगवान ने नरसिंह रूपम नरसिंह अवतार कृत्वा करके भ्रमत धूमित हुई भ्रुकुटी भोहें दष्ट्रम दान कराल अत्यंत भयानक वक्त्रम मुंह दैत्य इंद्रम असुरों के राजा को आशु तुरंत गद्या गदा से अभिपतनम गिरते हुए आरात पास ही उरो चांगों पर निपात्य रखकर विद्यदार विदन कर दिया। नखे नाखूनों से स्वरुन्तम ललकारते हुए अनुवाद श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला। जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयावह लग रहे थे। तात्पर्य शिला प्रपात के द्वारा शिला प्रपात जी के हिरण्यकश्यपु तथा उसके पुत्र महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकश्यपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा जी की कृपा से वह अपने को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा जी ने उसे अमर तत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह स्वयं अमर जीव नहीं है, किंतु हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से अपरोक्ष रूप से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जो लगभग अमर होने के तुल्य था। हिरण्यकश्यपु को विश्वास था कि वह न तो मनुष्य या देवताओं द्वारा और न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह रूप अवतार ग्रहण किया जो हिरण्यकश्यपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा जिससे उसका वध ना तो पृथ्वी पर हुआ न जल या आकाश में हुआ। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु को वधीन किया जो उसकी बुद्धि की सीमा से किसी मानवीय हथियार से परे था। हिरण्यकश्यपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा वृद्ध शैया के चक्कर में रहे। हिरण्यकश्यपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो
स्वर्ण तथा मृदु शैया के चक्कर में रहे, जो सभी भौतिकवादी मनुष्य का चरम लक्ष्य है होता है। ऐसे असुरी आदमी जिनका भगवान में कोई वास्ता नहीं होता, भौतिक सिद्धि से प्राय इतराने लगते हैं और भगवान की सत्ता को ललकारते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के ही पुत्र थे और चूंकि वह परम भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें उसके लिए संभव था उतना भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकश्यप को इस प्रकार मारा, जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वर विहीन असुरों की भौतिकवादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सङ्गरघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं साधुभूतं परिजन चैतन्य कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सगन ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तविंद। वाञ्छाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है नरसिंह अवतार का प्रसंग है और हम विभिन्न अवतारों की चर्चा कर रहे हैं भागवत में। तो हम सबसे पहले नरसिंह भगवान को प्रणाम करेंगे। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद राजदायिने हिरण्यकशिपुर्वशः शिलाटङ्कानखालहे। इतो न सिंहा परतो न सिंहा यतो यतो यामि ततो न सिंहा बहिर्न सिंहा हृदये न सिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तावकार कमलवरे नखं अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रणाम मंत्र का थोड़ा अर्थ पढ़ेंगे। ये आरती हम रोज सुबह गाते हैं। मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके नख दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पोषण सदस्य वक्षस्थल के ऊपर छेनी के समान है। नरसिंह भगवान यहाँ है और वहां भी है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहां नरसिंह भगवान है, मेरे हृदय में है
और बाहर भी हैं, मैं नरसिंह भगवान की शरण लेता हूँ जो समस्त पदार्थों के स्रोत तथा परम आश्रय हैं। हे केशव, हे जगतपते, हे हरि, आपने नरसिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। जिस प्रकार कोई अपने नाखूनों से भ्रमर को आसानी से कुचल देता है, उसी प्रकार भ्रमर सदृश दैत्य हिरण्यकश्यप का शरीर आपके सुंदर कौर कमलों के नकीले नाखूनों से चीर डाला गया है। श्री नरसिंह भगवान की जय। हमने नरसिंह प्रार्थना की है। अब जैसे कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताए हैं कि नरसिंह लीला पूरी जो है वो सातवें स्कंद में दी गई है, तो हम थोड़ा सा नरसिंह लीला को रिव्यू करेंगे शुरुआत से। और जब अभी गौर पूर्णिमा भी हुई थी तो प्रभु जी ने भी गौर पूर्णिमा के दिन नरसिंह भगवान के विषय में बताए थे। तो प्रभु जी ने बताया था कि भगवान के ये अवतार में भगवान ने जो प्रहलाद महाराज अनुभव कर रहे थे कि नहीं प्रहलाद महाराज जो सुख का अनुभव कर रहे थे, तो भगवान भी चाहते थे कि वो भी ऐसे सुख का अनुभव करें, क्योंकि प्रहलाद महाराज एक पिता की गोद में बैठे हुए थे। तो भगवान को ये हुआ कि मैं भी अगले जन्म में खंबे से नहीं, किसी ना किसी माता पिता के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा और मैं भी इस वात्सल्य रस को आनंद लूंगा। तो प्रभु जी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्यों जोड़ रहे थे, क्योंकि गौर भगवान उत्पन्न होने वाले थे। तो इस लीला में तो वो माता पिता की चेष्टा करते हैं, पर जब वो कृष्ण बन के आए तो वो राधा रानी का भाव को जानना चाहते थे। तो वो गौर जो अगला अवतार लिया उन्होंने, तो वो गौर बन गया है। तो एक अवतार दूसरे अवतार के कैसे पूरक हैं, भगवान एक आस्वादन करके दूसरा आस्वादन कैसे लेते हैं, तो काफी शिक्षाएं हैं इसके अंदर जो हम ले सकते हैं। वैसे नरसिंह लीला के बारे में सबको भूरी भूरी पता है कि भगवान ने हिरण्यकश्यप ने खूब साल तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान पाए कि ना मैं, मतलब बहुत लंबा लिस्ट बताया कि ना मैं ऐसे मरूं, ना मैं घर के अंदर भरूं, ना मैं घर के बाहर भरूं, ना मैं जानवर से भरूं, ना मैं इंसान से भरूं, ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगी। और फिर ऐसी ताकत मिलने के बाद वो खूब अत्याचार करने लगा और उसने खूब अत्याचार किया संतों का, संतों को दुख, बहुत खूब दुख दिए। और फिर अंत में हम देखते हैं कि वो प्रहलाद महाराज को भी टॉर्चर करते हैं और उनको खूब कष्ट पहुंचाते हैं। और फिर प्रहलाद से पूछते हैं कि आपके भगवान कहाँ कहाँ हैं, बताइए, इस क्या इस खंभे में हैं? तो प्रहलाद बोलते हैं, हाँ मेरे भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी हैं। तो भगवान भक्त की बात रखने के लिए खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं और उनसे युद्ध करके और हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों में रख के और विदिन कर देते। तो प्रभुपाद जी जो हमको समझाना चाह रहे हैं वो लीला तो है, पर लीला के माध्यम से क्या क्या समझाना चाह रहे हैं वो हम सातवें स्कंद को अगर हम देखें तो उसमें अध्याय नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। अध्याय नंबर 2 से लेके अध्याय नंबर 10 तक पूरा प्रहलाद महाराज का और हिरण्यकश्यप का वर्णन है। तो हम सिर्फ अभी इसके ओवरऑल टॉपिक्स को लेंगे जिसमें प्रभुपाद जी ने क्या क्या चीज को कवर किया, तो हम सिर्फ जितना कवर कर सकते हैं देखते हैं कितना होगा। अब जैसे कि प्रहलाद महाराज है, तो एक सोचने की बात है कि जो एक दैत्य कुल के अंदर एक भक्त कैसे पैदा हो सकता है, क्या ऐसा कारण रहा होगा कि प्रहलाद महाराज एक दैत्य असुर कुल में पैदा हुए, और ऐसा उसमें उनमें ऐसी क्या मतलब क्या कैसे उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए तो उनकी माता का नाम था कयाधु, माता का नाम है कयाधु। तो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, तो इंद्र ने सोचा कि इनके गर्भ में जो दैत्य है, मतलब जो उनका वंशज है,
वो भी एक बड़ा होकर दैत्य बनेगा, क्यों ना इसको जन्म लेते ही मार दिया जाए, तो ये भी आगे जाके हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगा। तो मारने के लिए कयाधु को उन्होंने पकड़ लिया, तो इतने में नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। नारद मुनि ने बोला कि इंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? किसी स्त्री को मारना, और वो भी गर्भवती स्त्री को मारना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो नारद मुनि ने उनको शरण दिए और वह उनको अपने आश्रम में लेके आ गए। अब सुनिए कि कितना चेंज है, कि ये जो बीज है वो हिरण्यकशिपु का बीज है, पर क्या हुआ, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यहाँ पे ये चमत्कार हुआ कि नारद मुनि जो वो है वो 12 महाजनों में से एक है, और जो माता के गर्भ में जो प्रहलाद महाराज है वो भी 12 महाजनों में से एक है। देखिए, गुरु भी 12 महाजन है और शिष्य भी 12 महाजनों में से एक है। और श्रवण कहाँ से चालू हुआ, देखिए, माता के गर्भ में उन्होंने कयाधु को भागवत दर्शन कराया। वो नियमित रूप से आश्रम में रहती थी और आश्रम के कार्यकार में, जो आश्रम में कार्य चलते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और इतने में भागवत चर्चा उनके कानों में जाने लगी, कयाधु के कानों में जाने लगी, और कानों में जाते जाते वह प्रहलाद भी सुनते थे, और वहां से उनका जो नॉलेज था वो बढ़ने लगा। हम ये जो नित्यम भागवत करते हैं ये भी वही है, कोई दूसरी चीज नहीं है। जो हमारा ये 8 बजे का प्रोग्राम है ये भी वही वही शिक्षा है, वही आश्रम है, और वही हम प्रहलाद की तरह अगर इसका सिर्फ सुने तो हम भी कुछ भक्ति में प्रगति यकीनन कर पाएंगे। क्योंकि ये एग्जाम्पल है कि घर में छोटा सा बच्चा प्रहलाद बन जाता है, तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये चेंजिंग था, कि इतना टाइम गलत चल रहा था कि किसी की माँ को कोई मारने के लिए जा रहा था, पर भगवान की और गुरु की कृपा से वह भागवत ज्ञान को सुनने में समर्थ हुआ। ऐसे करके ये भागवत ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। अब हिरण्यकश्यप जो है वो तपस्या करके वापस आ जाता है, उसको सारी शक्तियां मिल जाती हैं, तो वो सबको दुख और परेशान करना चालू कर देता है और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शंकराचार्य के जो 2 पुत्र होते हैं शंड और अमर, उनके पास भेजता है शिक्षा लेने के लिए। तब शिक्षा लेने के लिए भेजता है तो उनके सहपाठियों से जब शिक्षा लेने के लिए भेजता है तो एक दिन प्रहलाद महाराज जो है वो घर आते हैं। तो घर आते हैं तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने कहा, हे प्रहलाद मेरे पुत्र, हे चिरंजीवी, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी हैं, अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो मुझसे कह सुनाओ। तो प्रहलाद महाराज जवाब देते हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा प्रीतो विष्णु भक्ते चेनवलक्षणो ते भगवत युद्धा तन्मय ते दतितो मुक्तमम। इसका अर्थ है, प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप सात समान तथा लीलाएं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, अर्थात मानस वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना, शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं कि मैंने क्या सीखा, जबकि उनके जो सिलेबस में ये सब था ही नहीं। तो नविदा भक्ति उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि सबसे जो सीखने लायक बात थी वो यही है, श्रवण कीर्तनम
विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो नवदा भक्ति के बारे में जब उनको बताया तो उनके पिताजी बड़े नाराज हुए, अरे शरण अमर, तुमने इनको दैत्य जो कुल में पढ़ाते हैं तुमने वो नहीं पढ़ाया और तुमने ये ऊट पटांग शिक्षा इनको दे दी। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो नवदा भक्ति है तो प्रहलाद महाराज जो आचार्य हैं वो स्मरण के आचार्य हैं। जैसे हम देखते हैं कीर्तनम के आचार्य सुखदेव गोस्वामी हैं, श्रवण श्रवण के परीक्षित महाराज हैं। तो स्मरण स्मरण जो है वो भी अनिवार्य है, भक्ति का अंग है। जैसे हम कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो उस चीज का स्मरण, ये भी एक भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो स्मरण हमको दिन में 24 घंटों में करना चाहिए कि भी हमने आज क्या सुना, इसको स्मरण भी कहते हैं, मनन भी कहते हैं, चिंतन भी कहते हैं। तो ये बड़ा भक्ति का बड़ा सुंदर अंग है, इसको एकांत में कर सकते हैं। ये भी भक्ति का एक सुंदर अंग है जिसको हम प्रहलाद महाराज से सीखते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज क्या करते थे, इंटरवेल में जब अपने दोस्तों के साथ बैठते थे तो उनको प्रचार करते थे। तो क्या बोलते थे वो, श्री प्रहलाद उवाच कुमार अचित्र प्राक्यो धर्मान भागवत नाही दुर्लभ मानुष जन्मम तदवधुर्वम अर्थम दम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्य को छोड़कर भक्ति के कार्यों में अभ्यास में अपना मानव शरीर उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठावान किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती। तो इधर अपने सहपाठियों को प्रचार करना चालू कर दिया, वो भी ऐसे कॉलेज में जो एकदम असुरों का कॉलेज है, और उसके अंदर अपने सहपाठियों को बोलते हैं कि कब से भक्ति करनी चाहिए, बाल्यकाल से, 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति करनी चाहिए। पर आजकल हम देखते हैं कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, हम बच्चों को बोलते जाओ जाके ऐसी शिक्षा लेके आओ जिसमें मतलब असुरी शिक्षा लेके आओ, बाल्यकाल में से हम शिक्षा नहीं देते होंगे, जबकि वह अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि बाल्यकाल से ही इस ज्ञान की शिक्षा मिलनी चाहिए जो कि बहुत ही रेयर है, मतलब रेयर हो चुकी है। पर करना क्या है, वो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी को बता रहे हैं कि ये जो तुम पांच साल के हो, अभी से तुम्हें भक्ति का प्रारंभ करना चाहिए। मनुष्य जीवन जो मिला है वह हमको यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, ऐसा वो अपने इंटरवल के टाइम में अपने सहपाठियों को भगवत चर्चा करते थे। और एक और बोलते हैं, ऐसे कई शिक्षा है, इसमें मैंने थोड़ी बहुत सेलेक्ट की है। जब आप इन सातवें अध्याय को स्कंद को पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा आउटर पार्ट ही बता रहा हूँ, बट अगर आप सातवें पार्ट स्कंद के अध्याय नंबर 6 को पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, उसको पढ़ेंगे तो काफी आपको सीखने को मिलेगा। उसमें से एक शिक्षा और भी बता रहे हैं, अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि वह परम भगवान जो कि भौतिक ज्ञान की धारणा से परे है वह तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी असुरी स्वभाव को त्याग दो और शत्रुओं या द्वेष रहित होकर कर्म करो, सभी जीवों से में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो, इस प्रकार उनके हितेशी बनो। अब क्या कह रहे हैं, पहले तो बोला कि बाल्यकाल से ही भक्ति करो, अब क्या कह रहे हैं, प्रचार करने के लिए कह रहे हैं कि तुम जो है भगवान की भक्ति के लिए प्रचार करो। कितने साल के बच्चों को बोल रहे हैं, 5 साल के बच्चों को बोल रहे हैं तुम भी प्रचार करो भगवान की सेवा के लिए। फिर आगे जाके आता है, फिर आगे एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्रहलाद के गर्भ में क्या सीखा भगवान। भगवान ने प्रहलाद महाराज ने जो उपदेश लिए उसमें से एक मुख्य उपदेश है वह पढ़ते हैं।
गुरु शिष्या भक्त्या सर्वलब्धो वर्णन च संगेन साधु भक्त नामी राधेन च सद्या तत्कथाया च कीर्तन गुण कर्मणा तत्पादंबुरम भक्त्याना तिलक शाहनाधिभिः। इसका अर्थ है मनुष्य को प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ये बातें भी उन्होंने घर में सीखी। जब नारद मुनि कयाधु को सिखा रहे थे तो इसमें काफी शिक्षाएं हैं, मतलब लमसम 50 श्लोक हैं ऐसी शिक्षाओं के। उसमें से एक श्लोक मैंने चुना था आपको बताने के लिए। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको, जब पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो सिर्फ कथा तक सीमित नहीं रहेंगे, हर चीज को तत्व से जानेंगे। जैसे सातवें अध्याय के दूसरे चैप्टर से लेकर दसवें चैप्टर तक आपको प्रहलाद महाराज के उपदेशों के बारे में पता चलेगा, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद भी बहुत आनंदित होंगे। ये तो उन्होंने घर में सीखा। अब नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए थोड़ा सा उसके बारे में, कैसे उन्होंने वध किया ये भी हम पढ़ेंगे। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वह सत्य है, मतलब भगवान क्यों खंभे से प्रकट हुए, तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वह सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा के भवन के खंभे के भीतर भी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य था न सिंह था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्वैत रूप में प्रकट हुए। ऐसे भगवान प्रकट भी हो गए हमारी लीला में, हमने प्रकट भी कराना था भगवान को, तो हमने नरसिंह देव भगवान को प्रकट भी कराए। किसी नरसिंह भगवान की जय। और फिर जिस प्रकार कोई, अब जैसे युद्ध प्रकट हुए, फिर युद्ध चालू हो गया, फिर भगवान ने काफी उसको छकाया, फिर उसको पकड़ लिया। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या किसी गरुड़ को किसी अत्यंत विषैले सर को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नरसिंह देव ने उस हिरण्यकश्यप को दबोच दिया जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। पकड़े जाने पर जो ही वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर और चारों ओर छटपटाने लगा, तो ही नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोद में दबोच लिया और अपनी जांघों का सहारा देकर उस सभा भवन की दहली पर अपने हाथों के नाखून से सरलता पूर्वक उसको फाड़ डाला। जी श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो हिरण्यकश्यप का वध भी हुआ। फिर जब वध हुआ तो भगवान बड़े क्रोधित थे। क्रोध किस लिए थे? उनको क्रोध इसलिए था कि उनके भक्त पे अत्याचार हुआ था, और भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं पर अपने भक्त के ऊपर जो अपराध करता है उसको भगवान सहन नहीं कर पाते। तो जो नरसिंह भगवान थे वो शांत नहीं हो रहे थे। तो कितनी भी प्रार्थना की, काफी लोगों ने प्रार्थना की, उनका प्रार्थनाओं की स्तुति भी है, पर नरसिंह भगवान बिल्कुल शांत नहीं हो रहे थे। फिर प्रहलाद महाराज ने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की, जो कि स्कंद 7 के अध्याय 9 के 9 के अध्याय 9 में है, जिस पाठ का नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव की प्रार्थनाओं से शांत करना। उसमें से हम कुछ प्रार्थनाओं को अभी पढ़ेंगे। स्वापादुमूले पतितं तं भर्गं विलोक्य देव कृपया प्रजिलुप्तम् उत्थाय तचिसन्द ददाकारं भुजं कालाहि वस्त्रादि आकृता भयम्। जब नरसिंह देव
ने देखा कि छोटे से प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वह अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो गए। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को सदैव अभेदान करने वाला है। तो हम देखते हैं कि ये भगवान ऐसे सब भगवान के भक्त होते हैं, पर भगवान किन्हीं किन्हीं भक्तों के सर पे अपना हाथ रखते हैं, अगर आप देख सकें तो ये देखिए, ये प्रहलाद महाराज की जो सर पे भगवान ने हाथ रखे हुए, तो क्या अनुभव है एक भक्त के जीवन में। फिर प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, तो भी निस्संदेह जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तो भगवान की प्रार्थना करने का प्रयास भी कर रहे हैं और जीवन सफल कैसे बना सकते हैं, प्रार्थना करके और उनका यश गान करके, ऐसा प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं। फिर प्रहलाद महाराज एक प्रार्थना और कर रहे हैं, कवाहम रज प्रभो ईश तमो अधिक जातम सुरेत कुले कव तवानुकंपा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वेम रमाया यन्मे अर्पितं शिरसि पदाक प्रसार। अर्थात हे प्रभु हे परम पुरुष, कहां घोर नारकीय रजो तथा तमो गुणी परिवार में मैं उत्पन्न हुआ हूँ मैं, और कहां आपकी अहेतु की कृपा जो ब्रह्मा जी शिव जी लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होती। आप कभी भी किसी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पे इसे रखा है। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, किन किन के भी नहीं रखा, ब्रह्मा जी के भी सिर पे नहीं रखा, शिव जी के भी सिर पे नहीं रखा, लक्ष्मी जी के भी सिर पे नहीं रखा, बट आपने मेरे सिर पे इस हाथ को रखा है। तो ये प्रार्थना भगवान को अर्पित कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है इसमें, ये तो सिर्फ आपको एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि आप इस प्रार्थनाओं को पढ़ें। जब आप इन सारी प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे तो आप खूब आनंदित होंगे। फिर एक प्रार्थना और है, जे ही कतोच्यतु विकर्चित मावित प्रपाशिशनो अन्य सत्व गुदुरं श्रवणं कुतर्षित दानो अन्यत पलक्व च कर्म शक्ति ब्रव सप्तन इव गेहपतिं गुनित। हे अच्युत भगवान, मेरी दशा उस पुरुष की भांति है जिसकी कई पत्नियां हो और वह सभी उसे अपने अपने ढंग से आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। उदाहरणतः जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर आकृष्ट होती है, जन इंद्रिया किसी आकर्षक स्त्री के साथ संभोग करने के लिए और स्पर्श इंद्रिया मुलायम वस्तु को स्पर्श करने के लिए आकृष्ट होती है। पेट भरा रहने पर भी अधिक खाना चाहता है और कान आपके विषय में न सुनकर समानता चित्रपट गीतों की ओर आकृष्ट होता है। ध्यान इंद्रिय किसी अन्य और ही आकृष्ट होती है, चंचल आंखें इंद्रिय तृप्ति के दृश्यों की और आकृष्ट होती है तथा सक्रिय इंद्रिय अत्यंत आकृष्ट होती है। इस तरह मैं सचमुच ही दुविधा में रहता हूँ। अपनी दशा, हमारी दशा इसे कोई विपरीत तो नहीं है ना, हमारी भी बहुत सारी पत्नियां हैं। जीव जो है वो स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ दौड़ती है, दृश्य कोई ऐसे उत्पटांग दृश्यों को देखना चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज अपनी स्थिति को साफ प्रकट कर रहे हैं। फिर एक प्रार्थना और है उनकी, प्रायण देव मनु स्व मुक्ति कामा मोन चरे दिजे न प्रार्थनिष्ठा
नित्यानि विहाय कृपाण विमुक्ष एको नान्य त्वदस्य शरणं ब्रह्मतो न पूष्ये। इसमें भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान नरसिंहदेव, मैं देखता तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा दूतों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावना अमृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। कितनी सुंदर प्रार्थना है। सिर्फ भक्ति करनी नहीं है, दूसरों के प्रति भी दया दिखानी है। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि सिर्फ हिमालय जाके बैठना वो नहीं, नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करें कि मैं प्रचार कर सकूं, ऐसी प्रार्थना करें। फिर इसमें दसवां चैप्टर है जो है भक्त शिरोमणि प्रहलाद। अब भक्त शिरोमणि क्यों कहते हैं प्रहलाद को भक्त शिरोमणि? इस अध्याय में एक जैसे चैप्टर चालू होता है, उससे पहले उसका पूरा चैप्टर का विवरण होता है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के बाद पुरुषोत्तम भगवान नरसिंहदेव किस तरह अंतर्धान हो गए। इसमें शिव जी द्वारा उद्धव वर्णन लिखे, नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को एक एक करके अनेक वरदान देना चाह रहे थे, किंतु उन्हें आध्यात्मिक प्रगति में बाधक सोचकर प्रहलाद महाराज ने एक भी स्वीकार नहीं किया। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए और प्रहलाद महाराज खूब वर देना चाहते, मांगो प्रहलाद तुम क्या चाहते हो? प्रहलाद महाराज ने क्या किया, मुझे भगवान कुछ भी वर दीजिए, अपितु उन्होंने अपने को भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, यदि भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला मनुष्य निजी इंद्र तृप्ति के लिए प्रार्थना करता है तो वह शुद्ध भक्त या भक्त भी नहीं कहलाता। उसे ऐसा व्यापारी कहा जा सकता है जो लेन देन के व्यापार में लगा रहता है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक से सेवा कराकर उसे प्रसन्न करना चाहता है, वह भी आलसी असली स्वामी नहीं है। अतः प्रहलाद महाराज ने भगवान से कोई याचना नहीं की, प्रत्युत उन्होंने कहा कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें वर देना चाहते हैं तो वह उन्हें यह विश्वास दिला दे कि वह भौतिक इच्छाओं के लिए कोई वर मांगने को प्रेरित ना करेंगे। क्या मांगा उन्होंने, कि मुझे ऐसी वर दीजिए कि मेरे के अंदर कोई भौतिक इच्छा मांगने की कोई कामना की कभी इच्छा उत्पन्न ही ना हो। जो ही काम इच्छा जागृत हो उठती है, जो ही मनुष्य इंद्रिय मन तथा जीवन आत्मा धार्मिक सिद्धांत धैर्य बुद्धि लज्जा सौंदर्य बल स्मृति सत्य निष्ठा सभी विलुप्त हो जाती, मनुष्य तभी अनन्य भक्त कर सकता है और जब उसके मन की भौतिक इच्छाएं ना हो। प्रहलाद महाराज की अनन्य भक्ति के से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए, फिर भी उन्होंने एक भौतिक वरदान दिया कि वह इस जगत में पूर्णतः सुखी रहेंगे। फिर भी भगवान ने उनको वर दिए, भले उन्होंने कुछ नहीं मांगा हो पर भगवान ने फिर भी दिए। क्या दिए, एक भौतिक वरदान दिया कि वह इस जगत में पूर्णतः सुखी रहेंगे और अगले जीवन में वैकुंठ में निवासी करेंगे। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि वह मन्वंतर के अंत तक इस जगत के राजा रहेंगे। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उन्हें भगवान की महिमा का श्रवण करने की सुविधा प्राप्त हुई। क्या वरदान दिए, आपको मैं ये वरदान देता हूँ कि आप मेरी कथाओं का श्रवण कर सकते हो। अब ये भी एक वरदान है, आज हम सबको ये वरदान मिला हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से कि हम भागवत को श्रवण कर पा रहे हैं। अब ये एक वरदान, ये सारे करोड़ों वरदानों से ऊपर का वरदान है। भगवान की महिमा का श्रवण करने की सुविधा प्राप्त होगी और वे कलमशीन भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हुए उन्हीं पर पूरी तरह आश्रित रहेंगे। भगवान ने प्रहलाद को उपदेश दिया कि भक्ति योग के द्वारा यज्ञ संपन्न करे, क्योंकि यह राजा का कर्तव्य है। किला प्रभुपाद जी की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री नरसिंह देव भगवान। तो आप सब ये थोड़ा संक्षिप्त में मैं बता पाया,
पर आप जब इस भागवतम सातवें स्कंद के दूसरे अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के बारे में और साधु प्रहलाद महाराज की के बारे में पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके चरणों में याचना करता हूँ कि मुझको और आप सबको भी प्रहलाद खूब आशीर्वाद दें, नरसिंह देव भगवान खूब आशीर्वाद दें, क्योंकि भक्ति में हम प्रगति कर सकते। हरे कृष्ण।